हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो जैसा हम अपना करंट अफेयर्स का सेशन चला रहे थे मंडे टू फ्राइडे, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कवर कर लिए थे, और आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा जनवरी मंथ का। तो इसी के साथ ही हम जनवरी 2021 की करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे पूरे EPFO एनफोर्समेंट और जो अकाउंट ऑफिसर हमारा एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग पूरा अच्छे तरीके से। तो बिना कोई वक्त ज़ाया करे आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। सो गुची और मोरल मशरूम्स फॉर विच GI टैग हैज़ बीन सॉट ग्रोन इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए GI टैग आपको पता होगा, जो एक बहुत अच्छी किस्म की कुछ भी मतलब ऐसे खाने के प्रोडक्ट होते हैं या कपड़े के प्रोडक्ट होते हैं उनको हम GI टैग में शामिल करते हैं। तो उसी सिलसिले में गुची और मोरल मशरूम्स को शामिल किया गया जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं। उसके अलावा एक्स डेजर्ट नाइट 21, देखिए इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए, एक्स डेजर्ट नाइट 21 इज़ अ बायलेटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री, यानी फ्रांस। आइए आगे देखते हैं, योवेरी मुसेविनी हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। युगांडा के प्रेसिडेंट बने हैं नए योवेरी मुसेविनी। उसके अलावा हु इज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ थाईलैंड ओपन 2021, तो कैरोलिना मरीन, स्पेन की हैं ये। इनको अगर आप अच्छे से जाने तो लास्ट ओलंपिक में इन्होंने ही PV सिंधु को फाइनल में हराया था, कैरोलिना मरीन ने। तो ये बैडमिंटन का है, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन। तो आइए देखते हैं थाईलैंड ओपन बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, 1984 में स्टार्ट हुआ था। इस साल मेन सिंगल किसने जीता, तो विक्टर एक्सेलसन। तो मेन सिंगल किसने जीता, विक्टर एक्सेलसन। उसके अलावा देखिए मेंस डबल्स की बात करें तो ली यांग और वेंग ची लिन। तो भाई आगे देखते हैं इसमें विनर्स को। तो देखिए वुमेंस डबल्स की बात करें तो किम सोयोंग और कोंग हियोंग वुमेंस डबल। इसके अलावा मिक्स डबल्स में देचा पूल, पुवारांग क्रू एंड साप सीरी ताई राताना चाई। तो अब देखिए युगांडा की बात करें तो युगांडा, देखिए यहाँ से हमारी स्टैटिक जीव के पूरी अच्छी तरीके से कवर हो जाती है। तो अगर हम उसी सिलसिले में युगांडा की देखें तो कैपिटल क्या है, कैंपाला। करेंसी क्या है, युगांडन शिलिंग। और PM कौन है, रुहाकाना रुगुंडा। देखिए स्टैटिक जी के भी हमारे यहाँ से अच्छी से कवर हो रही है। कैपिटल है युगांडा कंपाला, करेंसी युगांडन शिलिंग, PM रुहाकाना रुगुंडा। उसके अलावा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो वेस्ट बंगाल में है। उसके अलावा गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू रिसेंटली इन न्यूज़ इज सिचुएटेड इन विच सिटी, तो नागपुर में है ये। इसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिनेम ड्रैगन फ्रूट एज कमलम, ड्रैगन फ्रूट को गुजरात में अब कमलम नाम से जाना जाएगा। विच स्टेट हैज़ टॉप इन द मेजर स्टेट्स कैटेगरी इन द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग, तो कौन सी स्टेट थी वो, कर्नाटका। अब देखिए अगर रैंकिंग्स की बात करें तो कर्नाटका फर्स्ट पर थी, जिसकी रेटिंग थी 42.50, और स्टेट में ही अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट थी बिहार 14.48। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर बात करें और हिल स्टेट्स को भी कंपैरिजन करें तो फर्स्ट पर थी हिमाचल प्रदेश 25.06 से, और लास्ट पर थी मेघालय 12.15। इसके अलावा विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड एन एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर कॉल्ड धारा, किसने करा है, उत्तर प्रदेश, संभावनाओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस द ओरा क्रेडिट कार्ड विद हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स, तो एक्सिस बैंक इसका आंसर है। अब देखिए बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बैंकिंग अवेयरनेस में भी यूजफुल है। उसके अलावा रीसा रिग्नई एंड रिकुतू आर द पार्ट्स ऑफ द ट्रेडिशनल फीमेल अटायर ऑफ विच स्टेट, तो ये है त्रिपुरा। उसके अलावा इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज द वाहरा ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, इट इज़ मेघालय। उसके अलावा आप देखिए अगर हम त्रिपुरा से बात करें तो त्रिपुरा के CM कौन है, बिप्लब कुमार देव जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है, रमेश बैस। कैपिटल अगरतला। देखिए स्टैटिक जीके कितने आराम से आप स्टैटिक जीके को कवर कर लेंगे अगर आप करंट की
मदद से ही पढ़ते हैं। तो इसीलिए देखिए हम आपको इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यहीं हम स्ट्रेटजी के आपको कितनी स्ट्रेटजी के कवर करा रहे हैं। अब देखिए ऐसे अगर मेघालय की जाननी हो तो सीएम है कॉनराड सांगमा, गवर्नर सत्यपाल मलिक, कैपिटल शिलोंग। उसके अलावा विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ लॉन्च्ड अ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021, तो WEF। इसके अलावा विच मोबाइल हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन, ये शायद मुझे लग रहा है नाम में कुछ हो गया, इंस्टाग्राम तो नहीं होगा, ये कुछ और हो गया, चलिए बाद में देखेंगे इसको। वो हैज़ बिकम द फर्स्ट सेकेंड जेंटलमैन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखिए इस बार से ही क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स में एक नई चीज़ आई है कि सेकेंड जेंटलमैन भी होगा। तो वो कौन बने हैं पहली बार, डगलस एम हॉफ। उसके अलावा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर परिकर ऑफ द रिकॉर्ड, तो वमन सुभा प्रभु। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज सेड टू बिकम द फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड, एंड इट इज़ भावना कांत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप इज अ स्कीम ऑफ विच गवर्नमेंट, इट इज़ दिल्ली। द 15th एडिशन ऑफ तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट्स, तो इट इज़ उड़ीसा, उड़ीसा। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF हैज लॉन्च्ड विच ऑपरेशन एट द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, तो सर्द सैद नहीं, यहाँ भी थोड़ा सा गलत है, इट इज़ सर्द हवा, बस यहाँ आई की जगह आप आर कर लीजिए, सर्द हवा HAWA। इसके अलावा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, फोर्थ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ जेल टूरिज्म ऑन रिपब्लिक डे, तो महाराष्ट्र। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ जेल टूरिज्म ऑन रिपब्लिक डे, इट इज़ महाराष्ट्र। अब देखते हैं ये पद्म अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक क्वेश्चन मानकर चलिए आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो पद्म विभूषण 7 पर्सनैलिटीज़ को मिला, तो जिसमें सबसे पहले हमारे शिंजो आबे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जापान के, ने पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला। इसके अलावा श्री SP बाला सुब्रमण्यम जिन्हें आर्ट के लिए मिला, जिनका बहुत ही जाना पहचाना गाना था आज शाम होने आई। उसके अलावा डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े इन्हें मेडिसिन के लिए मिला। इसके अलावा श्री नरेंद्र सिंह कपानी पोस्थ्यूमस यानी मरणोपरांत साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए मिला। देखिए पोस्थ्यूमस के लिए बाला सुब्रमण्यम साहब को भी पोस्थ्यूमस मिला है मरणोपरांत, और वही मिला है यहाँ पर नरेंद्र सिंह कपानी को मौलाना वहीदुद्दीन खान अदर्स कैटेगरी में, श्री बीबी लाल अदर्स कैटेगरी में, श्री सुदर्शन साहू अदर्स कैटेगरी में नहीं आर्ट में। इसके अलावा पद्म भूषण देखिए 10 पर्सनैलिटीज़ को मिला। देखिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं पद्म विभूषण कितनी पर्सनैलिटी को मिला, ये नहीं पूछते हैं कभी कभी भी कि किसको मिला, टोटल पूछ लेते हैं। तो 7 को मिला पद्म भूषण पूछे तो 10 को मिला, लेकिन हमें तो ये भी पढ़ना है ना किस किस को मिला, तो वो भी हम पढ़ ही रहे हैं। एम कृष्णन नायर, शांता कुमारी चित्रा इन्हें आर्ट के लिए मिला। श्री तरुण गोगोई पोस्थमस मरणोपरांत पब्लिक अफेयर, श्री तरुण गोगोई जो 15 साल तक लगातार असम के मुख्यमंत्री रहे थे कांग्रेस पार्टी से। उसके अलावा श्री चंद्रशेखर कामबरा लिटरेचर एंड एजुकेशन, मिस सुमित्रा महाजन पब्लिक अफेयर जो फॉर्मर लोकसभा स्पीकर। इसके अलावा श्री नृपेंद्र मिश्रा सिविल सर्विस के लिए, श्री रामविलास पासवान पोस्थमस पब्लिक अफेयर जो अभी हमारे उनका अभी देहांत हुआ था 20 वर्ष, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे वो शायद फूड मिनिस्ट्री जी पर। इसके अलावा श्री केशु भाई पटेल इन्हें भी पोस्थमस मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, काफ़ी अच्छे मुख्यमंत्री और अच्छे पर्सनैलिटी थी। इसके अलावा श्री कल्ब सादिक पोस्थमस मरणोपरांत मदर्स में, और श्री रजनीकांत डेविड श्रॉफ जिन्हें ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मिला, और श्री तरलोचन सिंह जिन्हें पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला। तो एंड ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स जनवरी के करंट अफेयर्स को ख़त्म कर लिया 2021 के 4 लेक्चर में, जैसे हम कर रहे हैं हर मंथ का हम 4-4 लेक्चर में डिवाइड कर रहे हैं, उसमें हम इसको फिनिश करेंगे।
उसी उसमें हमने जनवरी को ख़त्म कर लिया है। कल से हमारी सीरीज शुरू होगी फेब्रवरी मंथ की। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।